हरियाणा की 6 साल की पुरानी एक कंपनी 25 करोड़ दाव पर लगाकर सड़कों पर उतर गई है और इन भैया का दावा है कि 90 दिनों के अंदर जो है वो बाल जो है वापस से उगा देते हैं। क्या जरूरत अन पड़ी कि 6 साल पुराना कंपनी और 90 दिन के अंदर जो है आप दावा कर रहे हैं 25 करोड़ दाव पर लगा करके कि जो है बाल भैया का उगा देना है? देखिए, ज़रूरत इसलिए आ पड़ी क्योंकि आज के रेट पे सोशल मीडिया में इतने तरह के भ्रमित ऐड चल रहे हैं। अच्छा। इतने तरह के मतलब लुभावने ऐड चल रहे हैं कि हमारे देश के जिसको भी ज़रूरत है ना, जो ये हेयर इंडस्ट्री है उसको उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। लोगों को लोग सब तो कह रहे हैं कि एक बोतल लीजिए और बाल जो है वापस से उग जाएगा। मैं आपको वही बोलने वाला था कि लोगों के मन में जो ये उम्मीद थी ना कि हाँ मेरे बाल आ सकते हैं, ये उन लोगों ने खत्म कर दिया। लोगों को ये बताया एक गोली खा लो बाल आ जाएगा, एक बाल्टी भर के तेल लगा लो बाल आ जाएगा। इस तरीके से क्या वो लोगों में एक बहुत ज़्यादा गलत धारणा बन गई कि बाल तो आ ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने वो ट्राई करके देख लिया बाल आए नहीं। इसलिए हम सड़कों पर उतरे ताकि हम लोगों को जागरूक कर पाएं, सर आपका बाल आना पॉसिबल है, अगर उसमें ग्रोथ बचा है तो बाल आ सकते हैं, बशर्ते आपका सही जगह ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसके लिए हम सड़क पर उतरे हैं और सिर्फ उतरे ही उतरे नहीं हैं, हमने लोगों को दिन प्रतिदिन एक चैलेंज लिया हुआ है। उस चैलेंज के माध्यम से हम लोगों को दिखा रहे हैं कि हम बाल उगा सकते हैं। ये मेरे साथ हमारे मित्र हैं, इनको हमने एक चैलेंज लिया हुआ है इनके बालों पे। आप इनके बालों की कंडीशन देख सकते हैं। हाँ। इनके बालों की जो है ग्रोथ काफ़ी कम है। अच्छा। और लगभग 4 साल से इनको बाल झड़ने की समस्या थी। इनके चार साल से समस्या थी। आधे बाल अपने खो चुके हैं। हाँ। तो अभी हमने ये चैलेंज लिया था 15 अगस्त 2024 को। हाँ। कि हम 90 दिनों के अंदर इनके सिर पर बाल उगा के दिखा देंगे। अगर से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इनका हमने ट्रीटमेंट शुरू किया है 15 अगस्त 2024 को पटना के गांधी मैदान से। अच्छा। उस दिन हमने ये चैलेंज लिया था कि 90 दिनों के अंदर हम इनके बाल उगा के दिखा देंगे और सबके सामने दिखाएंगे। और ऐसा नहीं कि आज हमने 15 अगस्त को बोला और सीधा 14 नवंबर को लाकर दिखा दिया। हम अपना डे टू डे वीडियो, डेली वीडियो अपनी वेबसाइट पर इसको पोस्ट करते हैं, मतलब हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आप कहीं भी जाके, जो कि हमारा चैनल है टीआईजी केयर फॉर यू, वहाँ जाके आप इनका डेली बाय डेली का ग्रोथ देख सकते हैं कि इनके बालों में ये ग्रोथ बचा हुआ है और कैसे हम इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ। ताकि लोगों के मन में ये ना लगे कि इन्होंने आज कुछ और दिखाया, कल कुछ और दिखा के ये इस चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये भाई साहब का बाल जो है इनका झड़ चुका था, 4 साल से ये बाल झड़ने से परेशान थे और आज जो है ये कंपनी जो है दावा कर रही है कि 90 दिनों के अंदर जो है इनका बाल का ट्रीटमेंट जो है चल रहा है, 90 दिनों तक जो है बाल का ट्रीटमेंट चलेगा। और देख सकते हैं इनका बाल जो है अब आना शुरू हो गया, ये पहले जो है इनका पूरी तरीके से झड़ गया था बाल भैया। देखिए, बाल आना शुरू नहीं हुआ है। हाँ। जैसा कंडीशन है सेम वही कंडीशन है अभी भी। हाँ। झड़ना रुक गया है। हाँ, सिर्फ बाल झड़ना थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है। हाँ। लेकिन बाल आया नहीं है, आया नहीं है। इतनी जल्दी देखिए, अभी ट्रीटमेंट करते हुए 15 दिन का समय भी था। अच्छा। 15 दिन में किसी के बाल नहीं आते। हाँ। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जो लोग आपको बहकाते हैं कि 1 महीने में आपके घुटने तक बाल आ जाएंगे, 2 महीने में आपके बाल रोड पे सतरने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बालों का जो नेचुरल ग्रोथ है उसमें समय लगता है। दाढ़ी बनाते हैं उसको भी आने में समय लगता है कि नहीं लगता है, उसी तरह बालों के ग्रोथ में समय लगा। 15 दिन में अभी हमने इनका जो बालों का हेयर फॉल था उसको रोका है, उस पर कंट्रोल किया है। धीरे धीरे हम इनकी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, जो इनके मेडिसिन से उसको चेंज कर रहे हैं, इनके ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको इनके सिर पे ग्रोथ भी दिखना शुरू हो जाएगा। और नहीं हुआ तो जैसा कि हमने पहले भी ऑलरेडी सारी वीडियो में बता रखा है कि अपनी कंपनी पूरी तरीके से हम बंद कर देंगे, इस हेयर की इंडस्ट्री में काम ही नहीं करेंगे। क्या प्रोडक्ट क्या है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आप बालों का झड़ना रोक दिया उसके बाद जो है बाल वापस से आना शुरू हो जाएगा? देखिए, हमारे पास लगभग 18 तरह के प्रोडक्ट हैं। 18 तरह के, जिसकी जो बीमारी है उसकी उस तरह के। देखिए, हमारे सामने एक किताब की दुकान है, ठीक है। अब किताब की दुकान है, अब इनके पास तरह तरह के पेन हैं। अब किसी को बॉल पेन चाहिए, किसी को जेल पेन चाहिए, किसी को पेंसिल चाहिए, किसी को कलर पेंसिल चाहिए, तो ये सबको सेम चीज़ नहीं दे सकते ना। तो उसी तरह जबकि सबका काम क्या है, लिखना। सबका काम लिखना है तो इसको सबको सेम थोड़ी दे सकते हैं ये। उसी तरह जब सबका प्रॉब्लम बालों का ही है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, सबको सेम दवाई दे रहे हैं। हम सेम दवाई नहीं देते, हमारे पास जैसी प्रॉब्लम वैसे सॉल्यूशन। हम इसी तरह 18 तरह के प्रोडक्ट लेके चलते हैं कि जिसको जो जिस तरह की दिक्कत होती है उस तरीके से हम उसको मॉडरेट करके चीज़ों को देते हैं ताकि उनको ये परेशानी। इन भाई साहब का, जैसे ये भाई साहब है, इनका बाल जो है आगे से झड़ा हुआ है, पीछे से जो है वो झड़ रहा है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि वापस से इनका बाल वापस आ जाए, तो फिर इनके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा? इनका जो एक बार सर नीचे करेंगे, सर आप दिखाइएगा, इस एरिया में अभी भी थोड़ी बहुत ग्रोथ बाकी है, लेकिन जो ये एरिया आपका देख रहा है का जो हेयर लाइन है ये बिल्कुल पीछे जा चुका है। इसमें अगर कोई भी कंपनी कहती है कि मैं यहाँ बाल उगा दूंगा तो वो आपको बेवकूफ बना रही है, उसमें पॉसिबिलिटीज नहीं है। आपकी कंपनी उगा देगी? नहीं उगाएगी, नहीं उगाएगी, यहाँ बाल आ ही नहीं सकते। जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। इस एरिया में भी अब देखिए, इनकी उम्र को भी देखना पड़ेगा, उम्र को देखना पड़ेगा, डाइट को देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं 70 साल की उम्र में बाल उगा दूंगा तो वो झूठ बोल रहा है सर, उस उम्र में तो टूटी हुई हड्डी नहीं जुड़ती है। अब इस केस में इनकी जो उम्र, सर आपकी उम्र मिनिमम कितनी होगी? 60 साल की उम्र है। 60 साल की उम्र में आपको भी पता है कि जो नए हॉर्मोन्स का बनना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। हम ट्राई कर सकते हैं, पूरे बाल इनके तब भी नहीं भरेंगे, और हम झूठ बोल के नहीं बेचते कि किसी को भी बोल के बेच दिया कि नहीं आपके बाल में ग्रोथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
इन हेयर्स में जो बचे हुए बाल है ना, जो अभी टूट रहे, यहाँ देखिए आपको डेंसिटी काफ़ी कम दिख रही होगी, इसको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः ग्रोथ इसमें नहीं हो सकता। हम मना करते हैं, अपने वीडियो में बता के भी लोग मना करते हैं कि अपना पैसा और समय मत खराब कीजिए, आपका इसमें ग्रोथ नहीं आएगा। आजकल के नौजवान जो कम उम्र में जिनका बाल झड़ना शुरू हो जाता है, बाल पूरी तरीके से जो है बीच में खाली हो जाता है, उनके लिए क्या इलाज रहेगा? उनके लिए देखिए उस उम्र में इलाज संभव है, अगर उसमें ग्रोथ बचा हुआ है तो हम उस पर बाल जरूर उगा सकते हैं, लेकिन जहाँ बिल्कुल ग्रोथ की गुंजाइश नहीं है तो सर हम हथेली में तो बाल उगा नहीं सकते, और ना ही हम झूठ बोल के बेच देंगे कि किसी के भी बाल आ जाएंगे, जैसा बाकी लोग सोशल मीडिया में कर रहे हैं, किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं कि आप क्या आ जाएंगे, आप क्या जाएंगे, नहीं, हम मना करते हैं, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हमारे साथ आप अपना पैसा और समय खराब मत कीजिए, आपके बाल नहीं आएंगे। तो कुछ युवा ऐसे भी होते हैं, जैसे कि ये आप हमारे बालों में देख रहे होंगे, ये दोनों साइड से जो है ये आपके, देखिए आपके जो बालों की समस्या है, आपके बाल काफ़ी सिल्की है और काफ़ी मतलब लो डेंसिटी के हैं, जो इनका घनत्व मतलब आप कहेंगे डेंसिटी कम है, इसकी वजह से आपका जो साइड लाइन है वो हेयर लाइन ऊपर रिड्यूस कर रही है, आपको भी मेरे हिसाब से कुछ ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, वरना बहुत जल्दी आपकी भी हेयर लाइन काफ़ी ऊपर तक चली जाएगी। तो देख सकते हैं हरियाणा की 6 साल की पुरानी कंपनी जो है 25 करोड़ दाव पर लगाकर सड़कों पर उतर गई है और दावा कर रही है कि बाल जो है झड़ना रुक जाएगा, और जैसा कि इन्होंने दिखाया कि इनका जो है ट्रीटमेंट 15 अगस्त से चल रहा है और अभी जो है 20-21 दिन जो है हो गया है और इनका बालों का झड़ना जो है वो रुक गया है, और लगातार जो है प्रयास रहेगा इनका कि इनका बाल जो है वापस से फिर से जो है घना हो जाए, और इस तरह से जो है ये हर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, अपने से अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो युवा नौजवान जिनका बाल झड़ चुका है उनका बालों का झड़ना रुक सके और जो वापस आना होता है वो आ सके। बिल्कुल, हम कोशिश यही कर रहे हैं, पूरे भारत में घूम रहे हैं, जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बहकावे वाले ऐड में मत आइए, चीज़ों की वास्तविकता को समझिए, जो आप खरीद रहे हैं उस चीज़ को खरीदने से पहले पढ़िए इसमें क्या है क्या नहीं है, सब अगर साफ शब्दों में कहें तो जागो ग्राहक जागो, जो भी खरीद रहे हो उसको ठीक से देखो समझो परखो फिर खरीदो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा अगर आपने सही चीज़ खरीदी और सही जगह से खरीदी तो। क्या कहना चाहेंगे 300-400 वाले तेल के चक्कर में नहीं पड़ना? नहीं, आप ना पढ़ें क्योंकि उससे समाधान नहीं होगा, 300-400 में बाल नहीं आते सर, आपको एक प्रॉपर हम कंप्लीट ट्रीटमेंट देते हैं, हमारे पास हम कस्टमर को ये बोलते हैं कि आप हमारे कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए, वो एक्सपर्ट से बात कीजिए, उनको अपने हेयर का कंडीशन दिखाइए, कंडीशन दिखाने के बाद आप उनको बताइए, वो आपको किट सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कीजिए, आपको मिनिमम 3 से लेकर 6 महीने में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज होगी, जहाँ नहीं होती है वहाँ हम साफ मना कर देते हैं, सर आपके बाल आ ही नहीं सकते, आप हमारे ऊपर पैसा मत लगाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, देखिए बेगूसराय में आए हुए थे और लगातार जो है इस तरह के तमाम अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से जो है युवा नौजवानों का बालों का जो ग्रोथ रुक जा रहा, बालों का झड़ना जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा, उनको कैसे रोका जाए, तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने बालों का इलाज सही इलाज के लिए जो है आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।